मिताली, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी डॉट इन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट पार्ट के साथ, विच इज अबाउट द वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स क्या है? दिस इज नोन एज द स्टोरेज सेक्स ऑफ द सेल। अब स्टोरेज सेक मतलब कोई भी ऐसा पार्ट हमारे सेल का जहाँ पर काफी एलिमेंट्स की स्टोरेज हो रही है। और मेनली अगर हमारे वैक्यूल्स में देखा जाए तो स्टोरेज होती है फ्यूड कंटेंट की, ठीक है। चलिए एक बार पहले इसके स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा सा समझते हैं, फिर धीरे धीरे इसके फंक्शन समझेंगे। और ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसलिए इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसका एक एप्लीकेशन आपको एवरीडे लाइफ में जरूर देखने को मिलता है और बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी कुछ सेकंड्स के अंदर वो आपको समझ आ जाएगा। पहले एक बार इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अगर वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर आपने पहले भी एक बार देखा है, हमने कोई भी प्लांट सेल अगर बनाया है या एनिमल सेल हमने बनाया है, तो जो सबसे बड़ा एक एम्प्टी स्पेस इस तरीके का हम बनाते थे न्यूक्लियस के साथ है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के आसपास एक बहुत बड़ा सा एम्प्टी स्पेस, आप कहीं भी इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस टाइप का इसका हमने एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट किया था। तो मेनली ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है, लेकिन प्लांट सेल में काफी बड़ा होता है, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ बार बार, वैक्यूल। वैक्यूल मतलब कि एक काफी बड़ा एम्प्टी स्पेस माना जाता था। पहले तो कुछ साइंटिस्ट को इस बारे में लगता था कि ये कुछ है ही नहीं, खाली कंटेंट है, पर धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये काफी एफिशिएंट एक हमारे सेल का पार्ट है, ठीक है। तो एक बार चले देखते हैं कि इसका फीचर्स क्या है। दे आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, वी वेरी वेरी वेल नो अबाउट दिस। एंड प्लांट सेल में ये काफी बड़ी मात्रा में होता है, ठीक है, काफी बड़ा इसका साइज होता है। देन दे आर फुल ऑफ सेल सैप। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, हमारे सेल पूरे जितने भी हमने ऑर्गेनल्स पढ़े हैं उसमें से कोई ऐसा पार्ट हमारे सामने नहीं आया जो कम्प्लीटली फिल्ड है सेल सैप से। नाउ व्हाट इज सेल सैप हियर? सेल सैप यानी कि आपका जो वैक्यूल है ये पूरे में फ्लूइड कंटेंट से भरा हुआ है। एक बात हम जरूर जानते थे कि हमारे साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं आसपास सारा फ्लूइड कंटेंट है, बट वहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स भी साथ साथ ही प्रेजेंट है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ा। बट हमारा जो वैक्यूल वाला पार्ट है दैट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद फ्लूइड कंटेनिंग लाइक वॉटर हो गया और भी कुछ भी एसिड्स वगैरह, लेकिन ये सारा फ्लूइड से कंटेन्ड होता है। और सेल सैप की वजह से ही ये काफी फूला हुआ और बहुत ही कड़क रहता है, ठीक है। इसी का एप्लीकेशन हमें एवरीडे लाइफ में हमारे प्लांट्स में देखने को मिल जाता है। अब एक बार देखते हैं इसे। दिस इज फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू दी सेल। रिजिडिटी मतलब हमारे किसी भी प्लांट सेल को, सपोज अगर मैं प्लांट सेल की बात करती हूँ, तो प्लांट सेल को ये जो कड़कपन देता है प्लस उसको जो फूला हुआ बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होने की मदद करता है उसी को कहते हैं हम रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी। तो सेल सैप की वजह से, वैक्यूल्स के प्रेजेंस होने की वजह से हमारा प्लांट बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ खिलता हुआ हमें दिखता है, ठीक है। चलो उसके बाद अब मैं आपको, चलो एक बार ऐसा भी करती हूँ कि मैं इसके एग्जाम्पल आपको इस डायग्राम से क्लियर करती हूँ। आपको हम टर्जिडिटी और हम रिजिडिटी की बात कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा प्लांट हमने जनरली आराम से देखा है, यानी कि वो प्लांट जो खिल रहा है, ठीक है, अच्छा खासा पानी है उसके अंदर, सॉइल है, खाद है, सब कुछ है और अच्छे से खिल रहा है। दैट इज कि वैक्यूल क्या मदद करते हैं कि आपका प्लांट बिल्कुल स्टैंडिंग अपराइट यानी कि सीधा खड़ा रहे और अच्छे से उसकी ग्रोथ हो। लेकिन दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन, दैट इज कि हमारा प्लांट कई बार मुरझा भी जाता है। जब भी उसमें पानी की कमी होगी या फिर किसी भी ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो वो अपने आप क्या करने लगेगा, विल्टेड हो जाएगा यानी कि मुरझाने लग जाएगा। तो ये भी आपने कॉमनली देखा है ना, तभी ऐसा होता है ना कि घर पे बोला जाता है कि इतना इतना देते रहा करो, कुछ पौधे कम लेते हैं, कुछ काफी ज्यादा पानी पीते हैं। तो बेसिकली वो फंक्शन चल कहाँ रहा है, वो फंक्शन चल रहा है प्लांट की रूट्स में। तो हमें पता है कि ठीक है रूट्स में पानी देना है, लीव्स में पानी देके कुछ नहीं होगा और ऐसी बातें हम करते हैं, बट वो बात तो ठीक है। लेकिन बेसिकली उसके सेल्स में जो पार्ट है हमारे वैक्यूल्स का, वैक्यूल्स का एम्प्टी और फुल होना ही पानी की मात्रा को डिसाइड करता है। यानी कि अगर मेरे पास ये पूरा खिलता हुआ एक प्लांट है तो यहाँ पर जो वैक्यूल यहाँ प्रेजेंट है दैट इज फुल, वो वैक्यूल क्या होगा, फुल होगा, दैट इज फुल ऑफ सेल सैप यानी कि उसके अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल
सही तरीके से होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्लांट पानी की कमी की वजह से मुरझा जाता है, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है कि वो कैसे विल्ट हो गया है, कैसे इसकी लीव्स नीचे गिरने लग गई है, तो यहाँ पर जो आपका वेक्टर प्रेजेंट है वो थोड़ा सा हमें चाहिए एम्प्टी शेप बनानी चाहिए, यानी कि यहाँ से सारा पानी निकल चुका है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा शो होगा, एम्प्टी शो होगा, राइट। तो अगर अब आगे से कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि अच्छा आप दो प्लांट्स देख रहे हो और एक बहुत ही खिलता हुआ आपको अच्छा सा दिख रहा है, दैट मींस कि उसके वैक्यूल्स में पानी की मात्रा, फ्लूइड कंटेंट बिल्कुल अच्छी अमाउंट में है और वो बिल्कुल टर्जिड है, यानी कि अपने कड़कपन और स्वॉलन स्टेट में है, ठीक है। स्वॉलन मतलब उसका फूला हुआ रहना, राइट। चलिए, और लेकिन अगर उसके बाद आप उसे किसी प्लांट को ऐसा देखते हैं जो बिल्कुल ही मुरझा रहा है, लीव्स बिल्कुल पेल हो गई है, नीचे गिर गई है, या फिर डाउन टू अर्थ की तरफ उनका डायरेक्शन हो गया है, तो वो क्या पॉइंट है उसमें कि वहां का जो वैक्यूल है इट इज यूजिंग इट्स फ्लूइड कंटेंट, ओके। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन पार्ट हो गया। अब इसके साथ साथ हमारे वैक्यूल्स के दो और फंक्शंस है, क्या फंक्शंस है वो, substances like amino acids, sugars, protein and other organic material are also stored in the vacuoles. तो क्योंकि हमने उसकी स्टोरेज की बात तो करी थी, तो इस टाइप का जो कंटेंट होता है जैसे sugars हो गए, amino acids हो गए, इन सबको भी वो क्या करता है, स्टोरेज की तरह यूज होता है हमारा vacuole, ठीक है। उसके बाद एक चीज उसमें और आती है, that there is a breakdown and storage of waste products also. बेसिकली हमारा जितना भी कॉम्प्लेक्स शुगर हमने लिए, हमने देखा काफी पार्ट्स में वो क्या हो रहा था, कॉम्प्लेक्स से सिंपल शुगर में टर्न आउट हुआ, उसके बाद क्या होता है, जितना भी ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन और उसको स्टोर करने का काम भी कहीं ना कहीं पे कौन कर रहा है, वैक्यूल्स कर रहे हैं, ठीक है। सो काफी एफिशिएंट है। पहले जब इसके बारे में स्टडी किया गया था तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था किसी बायोलॉजिस्ट को या साइंटिस्ट को कि ये इतना एफिशिएंट सेल ऑर्गेनेल हो सकता है, बट अब देखिए आपके सामने कितने फंक्शन हमने इसके डिस्कस कर लिए, यानी कि इट इज वेरी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट और द एनिमल सेल, ठीक है। सो नाउ दैट्स द एंड ऑफ योर चैप्टर। और एक बार अगर आपको सेल का रिविजन चाहिए तो हम देख लेते हैं सेल में हमने क्या क्या पढ़ा है। सेल हैज इट्स पार्ट्स लाइक साइटोप्लाज्म हो गया, जिसमें हमने सारे सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी किया है। सिमिलरली हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, प्लांट सेल में और कुछ बैक्टीरिया सेल्स में, हमने सेल वॉल के बारे में भी पढ़ा जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है, और साथ साथ हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, दैट इज ऑल्सो एन प्रोटेक्टिव कवरिंग। एंड देन उसके बाद हमने काफी इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज न्यूक्लियस, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ योर दिस चैप्टर। नाउ विल फर्दर मूव विद द क्वेश्चंस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल। अगर आपको कहीं भी कैसा भी डाउट्स है तो आपने कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसमें आपको हेल्प करूंगी। किसी को भी अगर वो आंसर आता है तो कोई दूसरा उसमें हेल्प करे, ऐसे एक दूसरे की हेल्प करके तो आगे बढ़ेंगे ना। तो इसमें अपने आप मुझे कमेंट्स दीजिए, बताइए, उसमें बताइए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ठीक है, और बाकी हम क्वेश्चंस के साथ तो आगे चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, अप टिल देन, बाय बाय।